और ये सिर्फ बर्बरता नहीं है, ये सिर्फ लाठीचार्ज नहीं है। आप अगर थोड़ा इनसे बात करेंगे, जिन छात्रों के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, बहुत ही मतलब शर्मनाक एक स्थिति है। आज वो कह रहे हैं कि जितना हमको मारा नहीं जा रहा, जिससे जितना दर्द हो रहा है उससे ज़्यादा उन्होंने जिस तरीके का जो एक कमेंट दे रहे हैं, जिस तरीके से जो गालियाँ दे रहे हैं, जिस तरीके से जाति सूचक तरीके से उनको टिप्पणियाँ किए जा रही है। देखिए, विरोध करना हमारा एक मौलिक अधिकार है और उसी अधिकार को का इस्तेमाल करते हुए ही देश भर में ये आंदोलन भी खड़े हो रहे हैं। मूल बात है कि एक चीज़ को हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि लोग किस बात को लेके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इतना लंबा जो एक आंदोलन चल रहा है, ये हम सभी इस चीज़ को मान रहे हैं कि हमने भी कभी आज़ादी के बाद इस तरीके से नहीं देखा कि इतनी बड़ी संख्या में और इतने लंबे तक लोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं और इस तरीके से लगातार मतलब इस लड़ाई को जी रहे हैं, इस लड़ाई को आगे संचालित कर रहे हैं। एक बात सरकार को जहाँ इनिशिएटिव इस बात का लेना चाहिए कि उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि आए और इनसे ये सवाल करे कि आखिर किन मांगों को लेके क्या वो चाहते हैं और वो क्यों इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, इस तकलीफ को वो महसूस करे और उसमें पहलकदमी करे बातचीत करने की, वो सरकार को करना चाहिए था, बजाय इसको कि वो इस बात को बार बार रखे कि आंदोलन करने से आम जनता के ऊपर क्या दिक्कतें आ रही हैं, आम जनता के आम नॉर्मल जिंदगियों में जो तकलीफें आ रही हैं उसको सरकार ज़्यादा तवज्जो दे रही है, बजाय इसके कि आंदोलन जो आज लंबे समय से लोग हर तरीके की समस्याओं को झेलते हुए हर तरीके के विपरीत परिस्थितियों में भी आज हर तरीके से सरकार द्वारा बदनाम किए जाने के बावजूद भी डटे हुए हैं, आज वो लोग क्यों इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, किन इन तकलीफों को सहते हुए भी जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जानने का प्रयास करना कि आखिर वो उनका समाधान क्या है, वो क्या मांग कर रहे हैं, इस चीज़ को हम लोगों को भली भांति समझना पड़ेगा। ये हर बार होता है, आप देखिएगा जब जब भी आंदोलन हुए हैं, जब जब भी आम जनता सड़कों पर आई है अपने बुनियादी समस्याओं को लेकर, हजारों की संख्या में लोग जब आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं तब सरकारें उसको इस तरीके से दिखाती है कि इस आंदोलन की वजह से आम जनजीवन में कितनी तकलीफें हो रही हैं। आज लोगों को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया जा रहा है, कहीं किसी की नौकरी छूट जा रही है, कहीं किसी का कुछ इमरजेंसी काम छूट जा रहा है, ये आंदोलन का एक कारण बता रहे हैं। लेकिन ये छुपा रहे हैं कि लोग मजबूर क्यों हुए हैं आंदोलन का रास्ता लेने के लिए, लोग क्यों मजबूर होते हैं सड़क पर आने के लिए, आज जिस तरीके से आज जाने जा रही हैं डिटेंशन सेंटर में, ये क्यों जा रही हैं, इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है सरकार। तो मूल बात को हमको समझना पड़ेगा, कोई शौक से यहाँ पे धरने पे नहीं बैठता है, उसके पीछे भी उसकी एक कठिन एक संघर्ष का एक नतीजा है। आज यहाँ जो महिलाएं रात दिन बैठी है, आप उनका हालत देखिए, घरों में किस तरीके से वो चीज़ों को संभाल रही हैं और तब जाके यहाँ आंदोलन में भी हैं। यहाँ जो हमारे भाई जो हमारे साथी या देश भर से यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनकी भी एक एक रोजी रोटी की समस्या है, जो इतने समय से अपना काम धंधा छोड़ के भी आंदोलन को चला रहे हैं। तो यहाँ पे भी इस चीज़ को हमको महत्व देना पड़ेगा और हर बुनियादी समस्याओं को लेकर जनवादी अधिकार को हमको आगे रखते हुए इस आंदोलन को ऊंचा उठाना होगा। इस चीज़ को हमको हम अपील करेंगे सरकार के भी कि ये रुख अपनाए। क्या क्या लग रहा है आपको कि होम मिनिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इतना फेल कैसे हो गया ताकि NRC बिना सोचे समझे NPR लागू किया गया? देखिए, ये फेलियर ऐसा नहीं है कि ये अनअवेयर थे इस फेलियर से, ये बहुत अच्छे से इनका एक अंडरस्टैंडिंग में था, वो इस चीज़ को महसूस भी कर रहे थे और उनको भली भांति इसके आउटपुट भी पता थे कि इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। वो ये बहुत प्लान तरीके से चीज़ों को लाया गया है। आज जो ये सरकार जिस राज में सत्ता में है और जिस मैंडेट के साथ आई थी, जिन वादों को लेके आई थी, आज यहाँ पे हर तरीके से हम देख रहे हैं कि एक भी बिंदु पे एक भी अपने वादे पे वो कारगर साबित नहीं हो रही है। चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो किसानों का मुआवजा देने की बात हो, चाहे वो श्रमिकों को उचित अधिकार देने की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, आज कहीं पे भी जिस अच्छे दिन का वादा दिखा के, जिस 15 लाख का वादा दिखा के सरकारें सत्ता में आई थी, आज तमाम तरीके से इनकी एक फेलियर निकल के आया। और आज जिस तरीके से लोग इन तमाम समस्याओं के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, आंदोलन बुलंद कर रहे थे, आज ऐसे में चीज़ों को कैसे भटकाएं, कैसे एक असल मुद्दों से चीज़ों को हम शिफ्ट कर सकें, लोगों को इन चीज़ों से कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जा सके और आपस में इनकी एकता को कैसे तोड़ा जा सके, ये प्लानिंग के तहत ही सरकार इस तरीके की जो एक विभाजनकारी, जिस तरीके की असंवैधानिक, जिसे हम कह सकते हैं एक काला कानून को लेके आई है, इसके पीछे का एक मकसद को हमें समझना पड़ेगा। सरकार बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसको अनभिज्ञ थी कि इसका क्या परिणाम आ रहा है। NRC आपने देखा आसाम में जिस तरीके से किया गया, शुरुआत में कहा गया कि वहाँ पे 50 लाख से अधिक जो है घुसपैठी है, जो कि सारे मुसलमान है, सरकार ये दावा कर रही थी, जो कि बाद में खुलासा होने पे खोखला निकल रहा है 19 लाख लोग पाए जाते हैं, जिसमें से 12 लाख तो हिंदू ही पाए जाते हैं। तो यहाँ जब एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि तमाम फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, इकोनॉमिक फेलियर है, आज इतना बड़ा एक बजट लगा दिया सरकार ने, इतना पैसा खर्च कर रही है इन चीज़ों को लेकर, तो क्या इसको ये जानती नहीं है कि पूरे देश में ये होना संभव नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती। ये जो आज बोल रही है मुसलमानों को हम नागरिकता नहीं देंगे, ये कहाँ जाएंगे? 25 करोड़ मुसलमान देश के, एक भी मुसलमान क्या कोई दूसरा देश ले लेगा?
इतना आसान है, भेज के देखें मोदी जी। तो ये तमाम चीज़ें सरकार भली भांति जानती है। असल बात है लोगों को असल मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट करना, लोगों की एकता को तोड़ना और 5 साल अपने आप को इसको बनाए रखना, सत्ता में बने रहना, इसका एक पूरा एजेंडा सरकार ने रचा है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या साइन वाक के मूवमेंट को खत्म करने के लिए रिजर्वेशन का इशू लाया गया ताकि मुसलमान एक तरफ हो जाए और फिर SC ST अलग अपने हक के लिए लड़े, इस बीच साइन वाक कमजोर हो गया? बिल्कुल, ये जो चीज़ें हैं हमेशा से ही जब हम बोलते हैं ना किसी को कुछ अलग करके हम कुछ एडवांटेज देने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब ये है कि हम आपस में फूट डालने का एक बीज बो रहे हैं। हम यहाँ पे माल मांग करते हैं कि एक मौलिक अधिकार सबके लिए है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसमें कोई अलग करके हम बोलें कि किसी को अलग फायदा दिया जाए, ऐसा नहीं है भाई। एक बुनियादी चीज़ों पे हम सबको सब चीज़ें मिलनी चाहिए और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है सबको वो चीज़ें दें, और ये जब तक दे नहीं पा रही है, सुनिश्चित नहीं कर पा रही, नौकरियां हैं 50 पाने वाले हैं 5,000, तो कहां से वो मिलेगी? तो वो नौकरियां जनरेट नहीं कर रही है, वो शिक्षा के मौके दे नहीं रही है, इसीलिए आपस में ही कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का फूट डाल के, कभी हो सकता है कि जात पात का फूट डाल के, कहीं संप्रदाय का फूट डाल के, इस तरीके से लोगों को आपस में ही एक दूसरे का दुश्मन बना रही है और खुद इन तमाम चीज़ों पर अपने आप का अपना रास्ता साफ करते हुए निकल बचना चाह रही है, ये है असली एजेंडा सरकार। शाहीनबाग के इस मूवमेंट से क्या बिहार बंगाल में भी असर देखने को मिलेगा गया चुनाव? बेशक मिलेगा, दिल्ली में भी हम लोगों ने देखा सरकार जितना ध्रुवीकरण करना चाहती थी, जितना मतलब हम कहते हैं कि जिस निचले स्तर की राजनीति को वो कर रही थी, वो हम लोगों ने खुल के देखा। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, बुनियादी सवालों पे कोई मुद्दा नहीं था, इन्होंने पूरा का पूरा टारगेट लिया कि शाहीनबाग एक आंदोलन का विषय है, बिरयानी एक मुद्दा है, आज जिस तरीके से देशद्रोही का नाम दिया जा रहा है, गद्दार कहा जा रहा है, असल मुद्दों पर इन्होंने राजनीति कभी की नहीं, और सरकार इन चीज़ों जनता भी इन चीज़ों से वली वाकी वाकिफ है, इन चीज़ को समझ रही है अब धीरे धीरे कि अब ये सब चीज़ों से घर नहीं चलता है, जात पात से या धर्म से लड़ाई को लेके आज बहुत दिन तक हम शिक्षा को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आज असल मुद्दों पे सरकार जनता भी चाहती है कि सवाल जवाब हो, बातचीत हो, और जो इन चीज़ों को लेके कुछ दूर तक आगे बढ़ सकता है उसी को वो आगे अपना नेता चुन सकता। दिल्ली पुलिस लगातार कह रही थी कि जामिया के लाइब्रेरी में हमने कोई हमला नहीं किया, जब CCTV फुटेज आया तो पूरे देश में सनसनी मच गई है, इस विषय इसको किस तरह से आप देख पा रहे हैं? देखिए, शुरुआत से ही हम लोग कहीं ना कहीं इस शंका में थे ही कि जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन का एक नेक्सस काम कर रहा है, सरकार के तरीके से प्रायोजित तरीके से इन चीज़ों को कराया जा रहा है, ये बहुत हद तक एक स्पेकुलेशन की जा रही थी, एक गणना की जा रही थी, क्योंकि इस कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में जो पुलिस है वो अंदर घुस जाती है और इस तरीके से जो तोड़ फोड़ करती है, इतना हिंसा करती है, और वो क्या आधार बनाती है? वो आधार बनाती है कि वो कुछ बसों का हवाला देती है, कुछ उपद्रवियों का हवाला देती है, उसका जो एक पूरा मतलब जो हम कहते हैं कि जो एक रिपल्शन वो उन्होंने जिस तरीके से किया छात्रों के ऊपर, ये समझ में ही आ रहा था शुरुआत से ही कि कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत है, इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का है इसमें एक रोल है, इसमें कहीं ना कहीं सत्ता का एक इसमें पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है, और ये चीज़ें अभी और उजागर हो गई हैं, ये स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है। आज CCTV फुटेज है इनके सामने, इसके बावजूद भी अगर ये कुछ नहीं कर सकते, इसके बावजूद भी अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती, तब ये हम कह सकते हैं कि अब और बचा नहीं है छुपाने के लिए, अब ये चरित्र इनका पूरा खुल चुका है कि पुलिस और ये मिलिट्री किसको सर्व करती है, किन के लिए खड़ी है, और किनको वो अपना आका मान के वो काम कर रहे हैं। जब दिल्ली के लोग यानी कि दिल्ली की आम जनता जो है जब पुलिस से सवाल करने लगी, तो इसी बीच पुलिस ने भी एक वीडियो वायरल किया कि देखिए किस तरह तरीके से जामिया के स्टूडेंट ने पथराव किया था, तो इस अभी तक सत्यापन नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वजह क्या है, काउंटर चल रहा है, ये भी वीडियो रिलीज, इधर से भी वीडियो रिलीज, लोगों को पता नहीं लग रहा। देखिए, मूल बात है कि इस चीज़ को लेके एक निष्पक्ष तरीके की जांच कमेटी बैठनी चाहिए। हम भी यहाँ से ये नहीं कह सकते सीधे तौर पे कि बिल्कुल एकदम चीज़ें बहुत ही जैसा दिखाया जा रहा है वो उस तरीके से है, दोनों पक्ष न्यूट्रल है और दोनों ने ही इस तरीके से किया है। बहुत बार होता है आइडेंटिफाई करना पड़ता है वो कौन लोग हैं, क्या वो स्टूडेंट हैं, क्या वो रियली में जो वॉयलेंस कर रहे हैं, जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, क्या वो छात्र थे, क्या उनके ऊपर जो कार्रवाई की जानी चाहिए उसके आधार पर क्या ये वैलिडेटेड है कि आप अगर कुछ लोगों को इस तरीके से देख रहे हैं तो क्या आपको ये लाइसेंस मिल जाता है, आप लाइब्रेरी में जाके छात्रों को मार सकते हैं। इन तमाम विषयों के ऊपर हम कह रहे हैं कि ऐसी एक निष्पक्ष कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जो अपनी राय दे और तुरंत इसको फैसले को करे। पुलिस ब्रुटैलिटी के ऊपर आप क्या कहते हैं? निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। आज लोकतंत्र का ये चेहरा देखना रह गया था कि आज छात्रों के ऊपर भी ये पुलिस अपना दमनकारी चेहरा दिखा रही है, और ये सिर्फ बर्बरता नहीं है, ये सिर्फ लाठीचार्ज नहीं है। आप अगर थोड़ा इनसे बात करेंगे, जिन छात्रों के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, बहुत ही मतलब शर्मनाक एक स्थिति है। आज वो कह रहे हैं कि जितना हमको
मारा नहीं जा रहा, जिससे जितना दर्द हो रहा है उससे ज्यादा उन्होंने जिस तरीके का जो एक कमेंट दे रहे हैं, जिस तरीके से जो गालियां दे रहे हैं, जिस तरीके से जाति सूचक तरीके से उनको टिप्पणियां की जा रही है, किस तरीके से धर्म के आधार पर एक तरीके का एक जो पुलिस के अंदर भी, तो पुलिस भी तो इसी समाज का अंग है, वो भी तो इन तमाम तरीके की सरकारी प्रोपोगंडा से वो ग्रसित है, तो उतना ही जहर जितना भरा जा रहा है एक समुदाय के प्रति, वो जहर निकल के आ रहा है पुलिस के रवैये से भी। आज छात्रों को मारने से ज्यादा जिस तरीके से वो उनको बोल रहे हैं, जिस तरीके से उनको एक टॉर्चर किया जा रहा है, वो बहुत पेनफुल है, और ये चरित्र आज साफ दिखाई दे रहा है पुलिस के रवैये में भी, और ये बहुत निंदनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।